क्यों पड़े हो चक्कर में जब और कोई नहीं है टक्कर में। दोस्तों बार बार ये मैसेज आपके व्हाट्सएप पे आता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, क्योंकि आज की तारीख में वेस्टेज के टक्कर में और कोई नहीं है दोस्तों। और बात मैं आज ये वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लास्ट मंथ अप्रैल का जो पे आउट आया है दोस्तों, कई लोगों को अपने एक्सपेक्टेशन से, कई लोगों को 100, 200, 500, कई लोगों को 2000, 5000 रुपया ज़्यादा पे आउट आया है। और वैसा क्यों हुआ है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अप्रैल महीने में जो पे आउट आया है उसकी जो पॉइंट वैल्यू हमारे जो हर फंड मिलता है वो कुछ बढ़ के आया है कुछ फंड में। तो आज हम सारा डिस्कस करेंगे कि अब अप्रैल महीने में क्या पॉइंट वैल्यू निकल के आई है। और काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी कि सर एक बार और एक वीडियो बना दीजिए कि अब फिलहाल क्या पॉइंट वैल्यू निकल के आती है, ताकि उसके चलते हम हमारा कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। हालांकि मैंने मेरा पे आउट कैलकुलेटर ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, उसकी मैंने सारी डिटेल्स रखी हुई है। तो जो लोग वो रेडीमेड पे आउट कैलकुलेटर लेना चाहते हैं वो मेरे से परचेस कर सकते हैं। तो आप सिर्फ पीवी इंसर्ट करके आपका पे आउट वहां पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि फिर भी कल से मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा नए ये स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि आप देखिए बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं मेरे वीडियो की, और पिछले काफी दिनों से मैं इरेगुलर हूँ, रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। देखो उसका एक मेन रीजन ये है दोस्तों कि अब पूरा सिस्टम जो बाहर की दुनिया है नॉर्मल हो गई है, लॉकडाउन ओपन हो गया है, दुनिया नॉर्मल हो गई है। तो जो फिजिकल काम हुआ करता था सबसे पहले, तो वो फिजिकल काम अब मेरा बढ़ चुका है। मैं और मिताली जी बाहर बहुत सारा फिजिकल काम करते हैं तो काफी कम वक्त मिलता है। और काफी टाइम आपने भी देखा रहेगा टेलीग्राम चैनल पे मैं रात को 2:30 बजे 3 बजे मैसेजेस डालता हूँ। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की पूरी कोशिश करता हूँ, और जब भी वक्त मिलता है मैं यूट्यूब पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलरली वीडियो अपलोड करते रहूं। आज बात करते हैं ये सारे पॉइंट वैल्यू। तो देखिए ये जो सारे फंड आप देख रहे हो, डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलाइट क्लब, और सबसे मेन बात तो एलओबी। तो ये क्या पॉइंट निकल के आई है? तो देखिए सबसे पहले तो अगर डायरेक्टर बोनस की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर बोनस दोस्तों पहले हुआ करता था 1.31, और ये जो हमारा अप्रैल महीने में जो निकल के आया है दोस्तों, इसका अभी पॉइंट वैल्यू अप्रैल महीने में निकल के आया है 1.34। उसका मतलब क्या होता है कि कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, टर्नओवर बढ़ रहा है। जो टर्नओवर बढ़ेगा तो पॉइंट वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जो लोग अभी भी ये सोच रहे कि वेस्टेज तो अब नहीं चलेगी, जो बदलाव आए हैं उसके वजह से या कुछ प्राइस रेंज के वजह से, तो बिल्कुल गलत सोच रहे। आप करो या ना करो, लोग तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, टर्नओवर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये डायरेक्टर बोनस की बात हो गई, तो यहाँ पर भी 3 पैसा बढ़ के आया। तो मतलब जो 200, 500, 1000, 2000 पीवी, 3000 पीवी से डायरेक्टर बोनस मिलता था तो वो उनका वो हिसाब से पे आउट बढ़ के आया। अब उसके बाद बात करते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस की। तो दोस्तों बिजनेस बिल्डिंग बोनस तकरीबन 81-82 पैसा हुआ करता था, अब ये निकल के आया है 0.84 पैसा। तो यहां पर भी 3 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है पर पीवी, तो ये नई पॉइंट वैल्यू है 84 पैसा। टीम बिल्डिंग बोनस 0.91 हुआ करता था दोस्तों, और ये अब तकरीबन निकल के आया है 94 पैसा। तो आप अगर देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सब में बड़ा है, कुछ ना कुछ बड़ा है। लेकिन हाँ अगर बात करें ट्रैवल फंड की, तो ट्रैवल फंड पहले 24 पैसा हुआ करता था लेकिन अब 23 पैसा हो गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब गोल्ड क्वालिफाई कर रहे, जितने ज्यादा लोग गोल्ड क्वालिफाई कर रहे जितने ज्यादा अचीवर्स हो गए, तो वहां पर पॉइंट वैल्यू देखो थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है 1 पैसे का। लेकिन जो जनरली छोटे डिस्ट्रीब्यूटर है, सिल्वर डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर, उन लोगों को देखो कितना बेनिफिट हो रहा है। अब बात करें कार फंड की, तो कार फंड एज इट इज ही है, जो पहले 0.35 हुआ करता था अभी भी 0.35 ही है। वहीं पर बात करें अगर हाउस फंड की, तो हाउस फंड क्या निकल के आया है दोस्तों, हाउस फंड पहले हुआ करता था 34 पैसा और अब निकल के आया है 33 पैसा। तो देखो कितने ज्यादा लोग, देखो बाली सर डबल पीवी ऑफर लाते हैं, एक्स्ट्रा पीवी की ऑफर लाते हैं, उसके चलते कई लोग अपने लेवल अचीव कर लेते हैं। तो कई लोगों ने पिछले 2-3 महीनों में लेवल अचीव करके हाउस फंड लेना स्टार्ट कर दिया है। तो देखो अब हाउस फंड की वैल्यू हो गई है 33 पैसा। एलाइट क्लब बोनस 0.59 था और अब ये निकल के आया है 0.53।
दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिए कि जो लोग बोलते हैं ना कि ग्रोथ हो ही नहीं रही है, और आप सभी को मालूम है एलाइट क्लब बोनस किसे मिलता है, यूसीडी एंड अप को मिलता है। तो पहले ये 59 पैसा था, अब 53 पैसा है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो अब ज्यादा से ज्यादा ना सिर्फ लोग ये गोल्ड सिल्वर स्टार से आगे बढ़ रहे बट यूसीडी तक जा रहे, यूसीडी डीसीडी डीयूसीडी। अब देखो डीयूसीडी पहले गिनती में हुआ करते थे, अब तो पूरी लिस्ट बनाओ तो काफी सारे पेजेस भर जाते, उतने तो डीयूसीडी हो चुके हैं वेस्टेज में। तो वहीं पर अगर बात करें तो 59 पैसे से 53 पैसा इसलिए हुआ कि बहुत सारे लोगों का ग्रोथ हुआ है, मतलब छोटी मोटी पिन नहीं, सीधा यूसीडी जा रहे सब लोग, क्राउन भी सीधा यूसीडी कर रहा आसानी से। जो नया प्लान, जो नया स्ट्रक्चर आया है, जो एक्स्ट्रा पीवी की मदद से बोलो या डबल पीवी की मदद से बोलो, बट वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। और यूसी और एलाइट क्लब बोनस मिलता किसे है वो आप सभी को मालूम है कि कुछ कंडीशन है कि इतने लेक आपके एलओबी वाले होने चाहिए। तो ना सिर्फ यूसीडी जा रहे बट उतने अलग अलग लेक से वो लोग एलओबी भी ले रहे, मतलब ग्रोथ काफी हो रहा है वेस्टेज में। तो यहाँ पर आप देखो, अब सबसे लास्ट अगर बात करें तो एलओबी की, दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट आ रही है इस टाइम। आप सभी को मालूम है पहले 2 रुपया 27 पैसा हुआ करती थी, लेकिन अब ये निकल के आई है 2 रुपया 35 पैसा, मतलब के सीधा 8 पैसे का फर्क पड़ गया। तो एलओबी के अंदर, मतलब जो सिल्वर है नॉर्मल साइड मेंटेन करता था और नीचे से जो उसको मिनिमम गारंटी आती थी, अगर वो सब भी देख लो तो 8 पैसा मतलब एक ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। कहने के लिए 8 पैसा होता है, लेकिन उन लोगों को पूछो जो स्टार है, डायमंड है, क्राउन है, ये 8 पैसा उनके पे आउट पे कितना बड़ा इफेक्ट लेके आया है। तो आने वाले समय में भी उम्मीद है कि ये बहुत सारा ग्रोथ और होगा। तो बिल्कुल भी जैसे मैंने सबसे पहले बोला था कि क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में, दोस्तों वेस्टेज के टक्कर में ना कोई है ना कोई होने वाला है। ये मैं आपको आज दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वेस्टेज इज द वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। और जो वेस्टेज जो हिसाब से ग्रो कर रही है ग्लोबली, वो हिसाब से आप सोच लो कि ग्लोबली जो टर्नओवर हो रहा है वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। वेस्टेज जैसे जैसे अलग अलग कंट्रीज में जा रही है वहां पर भी टर्नओवर हो रहा है, तो ये पॉइंट वैल्यू और भी आगे बढ़ती जाएगी। बस फर्क इतना है कि आप इसमें से कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। तो ये तो पॉइंट वैल्यू की जो डिमांड थी, तो उसके ऊपर आज एक वीडियो बना दिया कि अब फिलहाल ये पॉइंट वैल्यू है, मई महीने में शायद ये करंट मंथ में और भी शायद कुछ और चेंजेस हो गए तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, इसके ऊपर जो भी पॉइंट वैल्यू निकल के आई है 2-4 वीडियोस में जरूर आपको दूंगा कि अब सिल्वर की क्या इनकम हो सकती है, गोल्ड की क्या हो सकती है, तो उसके ऊपर 2-3 दिन में अलग से मैं एक वीडियोस दे दूंगा। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी, पॉइंट वैल्यू कैसी लगी, और आप कितने उत्सुक हो आगे काम करने के लिए वेस्टेज के लिए, तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते कल कैलकुलेशन वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।